बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गुड़ की पापड़ी और गुड़ की चिक्की, दोनों इसको बोलते हैं। और जिसके लिए मुझे चाहिए गुड़, तिल और असली घी है। आप चाहो तो नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, पानी है। और मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाई हुई, मैं इसको चूल्हा जलाऊँ। और बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त बनती है, सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, अच्छी चीज़ होनी चाहिए घर में, अच्छा मज़ा आता है। बच्चे बहुत शौक से खा रहे होते हैं, बड़े भी, सबकी पसंदीदा। देखिए गुड़ को मैंने क्रश कर लिया, कूट लिया अच्छी तरीके से, आप भी कूट। ये देखिए एक कप पानी मैंने ये डाला है, एक कप साइज़ का। अब मैं इसके अंदर डाल रही गुड़, अगर कम भी लगेगा तो फिर हम पानी भी दोबारा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ना। ये बिल्कुल हल्की आंच पर है, स्लो, और इसको मेल्ट होने तक के हम इसको पकाएंगे कि अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो जाए। ये देखें मेल्ट हो गया। अब इधर मैं एक चम्मच इसके अंदर असली घी डालूंगी भर के, फिर इसको हम और मेल्ट करेंगे अच्छी तरीके से। जब तक वो मेरे स्लो आंच पर हो रहा है, मैं इसके ऊपर असली घी लगा लूंगी जब तक, है ना। बेलन पे भी लगाएंगे और हम यहाँ पे भी लगा लेंगे अच्छी तरीके से, इसको घी को ना कवर कर लेंगे कि हम जब डालें तो इसमें बिल्कुल पकड़े ना। यहाँ पे हम रेडी करके रख लेंगे जब तक कि वो होती है गुड़ पापड़ी। तो इसके बाद मैं इसके अंदर लगा के इसको बेल दूंगी और ये बेलन भी अच्छी तरीके से कवर होगी मेरा। ये देखिए इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, बबल्स आए हैं तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुकी है, ठीक है। जब बबल्स आ जाएंगे तो समझो वो रेडी है। अब इसके अंदर हम इसको इसको चेक करते हैं पानी में डाल के, पानी में हम डाल के इसको चेक करेंगे कैसी हुई। ये देखिए पानी में डालने के बाद कितनी ठीक हो गई है, बिल्कुल रेडी है। और हमने पानी में डाल के चेक कर लिया, बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम तिल डालेंगे, ठीक है ना। तिल डाल के इसको मिक्स करेंगे, एक मिनट तक पकाएंगे इसे तिल डाल के। मुझे कम लग रही थी इस वजह से मैंने इसके अंदर और डाला है तिल को। तिल डालने के बाद और थिकनेस आ गई इसके अंदर ना, ज़्यादा थिक हो रही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है। हम इसकी निकाल के इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये हो गई है रेडी, अब मैं इसको निकाल के कटिंग करूँगी, ठीक है। मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, इसको मैं इसको रैप करूँगी हल्का हल्का सा, बस इक्वल साइज़ आ जाए इसका, बस यहाँ से पूरा कर लूँ ये साइज़ इसकी, पूरा प्रॉपर इसका साइज़ आ जाए इक्वल। छुरी की मदद से इसको बिल्कुल सेट कर दूँगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी अच्छे तरीके से। यहाँ से भी इसको सेट करूँगी छुरी से। मैंने इसको गरम गरम में इसको प्रेस किया, अब मैं इसके अंदर कटिंग कर लूँगी राउंड। मेरा गोल प्रॉपर नहीं कटिंग हो रही है, ये आया आप कट। आप छोटे बड़े पीस कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने ये कटिंग सही है ना, इतना साइज़ तो बिल्कुल सही प्रॉपर है। और ये गरम गरम में ही कटिंग होगी। ये पिज़्ज़ा कटर है, ये बेस्ट है, छुरी से ज़्यादा ये बेस्ट है पिज़्ज़ा कटर। अब ये मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर तिल रखी थी, मैं थोड़ी सी इसके अंदर गार्निश कर दूँगी तिल की ना, थोड़ा सा हमें मिल जाए। गरम गरम में तिल डाल दिया मैंने गार्निश के लिए, बस ये बिल्कुल हो चुका है रेडी। इसकी कटिंग वटिंग सब हो गई, मैं इसको थोड़ा सा हवा लगा के फिर इसकी डिश आउट करती हूँ इसको। ये देखिए जी मैंने डिश आउट कर दिया है, माशाल्लाह से मैंने चेक किया, बहुत बहुत यम बनी, ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को, बहुत मज़े की बनी है। देखिए जी मैं आपको बताऊँ कितने मज़े की बनी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी खस्ता बनी है।
बहुत ज़बरदस्त वाली, बहुत बहुत मज़े की बनी है, बहुत यम फ्लेवर आ रहा है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरी रेसिपी को, बहुत बहुत ईजी है, बहुत आसान होती है और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।